नमस्कार, मेरा नाम सुधन्वा देशपांडे है और मैं लेफ्ट वर्ड बुक्स और वाम प्रकाशन के साथ मैं जुड़ा हूं। आप सबका स्वागत है। हर महीने के दूसरे शनिवार को हम बातचीत करते हैं, एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में। आज वाम विमर्श का ये जो सेशन है, इसमें हम लोग बात करेंगे फरीद खान से। और फरीद खान जो हैं वो हिंदी के जाने माने कवि हैं, कथाकार हैं, बंबई में रहते हैं और फिल्मों के लिए और टेलीविजन के लिए लिखते हैं। उनसे बात करेंगे संजय कुंदन। संजय कुंदन वाम प्रकाशन के संपादक हैं, दिल्ली में रहते हैं और वे भी जाने माने कवि और कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार सब कुछ है। दरअसल एक बहुत अजीब सी एक विडंबना है, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें बार बार ये बताते रहते हैं कि किस तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है किसी न किसी वजह से। चाहे आप कुछ खाते हैं नहीं खाना खाते हैं, चाहे आप कुछ पहनते हैं नहीं पहनते हैं, चाहे आप किसी से मोहब्बत करते हैं नहीं करते हैं, कोई भी मसला हो सकता है जिस वजह से किसी न किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मुझे अक्सर एक सवाल जो है वो कचोटता है और वो ये है कि जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उस ठेस पहुंचने से जो मेरी सेक्युलर भावनाएं हैं उनको अगर ठेस पहुंचे तो क्या हो। इस देश में सेक्युलर लोगों की कोई भावना नहीं होती, सेक्युलर लोगों के पास ये हक नहीं होता कि वो कह पाए कि मेरी सेक्युलर भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन मेरे पास कुछ अंग्रेजी में जैसे कहते हैं प्रिविलेजेस मौजूद हैं। एक तो मेरा नाम सुधन्वा देशपांडे है। अगर मेरा नाम फरीद खान होता तो फिर क्या मेरे पास सेक्युलर भावना होने का भी हक होता? क्या यह हक है? आज के हिंदुस्तान में एक ऐसा नागरिक होना जिसका नाम फरीद खान हो, इसका क्या मतलब है? तो आइए सुनते हैं संजय कुंदन की फरीद खान से बातचीत। फरीद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत और शुक्रिया। कहते हैं कि एक किताब जो है वो एक व्यक्ति को बदलती है, यानी एक पाठक किताब पढ़ने से पहले जो होता है, किताब पढ़ने के बाद वो कुछ और होता है, मतलब उसमें तब्दीली आती है, उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव आता है। तो क्या लेखक के साथ भी ऐसा होता है? अपनों के बीच अजनबी लिखने के बाद क्या आपने कोई बदलाव महसूस किया अपने भीतर? बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। सबसे पहले तो मैं वाम प्रकाशन का, आपका, पाठकों का धन्यवाद करता हूँ कि एक साल में जिस तरह इस किताब का स्वागत हुआ वो हैरतअंगेज भी है और सुखद भी है। तो अब आते हैं आपके सवाल पर। पहले तो एक्चुअली ये पता ही नहीं था कि ये किताब कैसा रूप लेने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि इसे लिखते लिखते एक रूप मिला है, एक पूरे प्रोसेस के दौरान जिसमें आप भी शामिल थे, और उस पूरे प्रोसेस को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो कहना चाहिए कि इसका एक प्रोसेस के दौरान इस किताब का एक व्यक्तित्व बना, एक कैरेक्टर बना। तो इस किताब के व्यक्तित्व रचना की प्रक्रिया के साथ साथ मेरे व्यक्तित्व की भी रचना हुई। इस पूरी प्रक्रिया को मैं अभिव्यक्ति की खोज भी कहता हूं। और हालांकि मैं अभिव्यक्ति के कई माध्यमों में सक्रिय हूं, लेकिन इसमें जो हासिल हुआ वो है खालिस सच, या कह सकते हैं भोगा हुआ सच, अनुभव किया हुआ सच। इससे यह भी महसूस हुआ कि भले ही आपके पास कहने को कुछ नाटकीय ना हो, तब भी आप अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें एक खोज है और एक लक्ष्य स्पष्ट है तो लोग उसको पढ़ेंगे। यानी इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि ऐसे नॉन फिक्शन में लिखना वही चाहिए जो आपका अनुभव है।
मैंने महसूस किया कि छोटे से छोटा सच भी बहुत शक्तिशाली होता है अगर वो आपका अनुभव है तो। इसके अलावा जिस तरह से स्वागत हुआ वो तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था काफी, यानी कि मुझे इस दौरान पता चला कि मैं ही नहीं बहुत सारे लोग वो सब महसूस करते हैं जो मैं महसूस करता हूँ। एक समीक्षक ने तो कहा भी कि ये किताब उन लोगों को अभिव्यक्ति देती है जो समाज में जवाब नहीं दे पाते। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी जवाब देने में बहुत मुश्किल आती थी और इस किताब के दौरान मैंने बहुत सारी असहजताओं का जवाब दिया। इसकी प्रक्रिया के दौरान मैंने ऐसे लेखन की सामाजिक जिम्मेदारी को भी महसूस किया, क्योंकि इसमें अगर भावना आहत होती है तो कई बार आदमी भावावेश में काफी कुछ ऐसा लिख जाता है जिसका भविष्य में कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके दौरान मैंने संयमित होकर लिखा है, ये एक बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। लिखने के दौरान किस तरह के मतलब खट्टे मीठे अनुभव हुए, कुछ अच्छे बुरे कैसे अनुभव हुए, किस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ा, कई स्थितियां सामने आई, कुछ बहुत मजेदार चीजें भी हुई होगी, तो वो अनुभव आप शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले तो यही डर लगता रहा कि जिन मुद्दों को इस किताब में उठाना है मैं उठाऊंगा वो सीधे सीधे हमारी आज की सरकार को लक्ष्य करती है। मतलब अब जैसे ही सांप्रदायिकता, बढ़ते बलात्कार, मॉब लिंचिंग आदि का विरोध करते हैं तो उसका साफ मतलब इस वक्त हो चुका है कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। अर्थात अगर आपको सरकार का समर्थन करना है तो आपको मॉब लिंचिंग, बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा का समर्थन करना होगा। तो ये किताब एक तरह से इस सरकार के तो खिलाफ है ही। अब आप देख सकते हैं कि आज कितने लोग केवल इस बात के लिए जेल में हैं कि वो सरकार से सहमत नहीं है। अब कल उमर खालिद को जेल गए हुए 1000 दिन हो गए। मैं सैल्यूट करता हूं उमर खालिद को कि उसने अभी तक माफी नहीं मांगी, माफी वीरों की तरह। बहरहाल तो मुझे लगा कि भीतर ही भीतर कुड़ने से बेहतर है कि कुछ कहा जाए और मैं कहने बैठ गया, यानी लिखने बैठ गया। उसके बाद जो चुनौती आई वो थी रिसर्च की चुनौती। अब मैं रिसर्च स्कॉलर तो हूं नहीं, मुझे अकादमिक लेख तो लिखना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं था। तब उस वक्त मैंने वरिष्ठ पत्रकार नासिरुद्दीन का लिखा एक लेख जो नवजीवन में, संडे नवजीवन में छपा था, अपनी माटी में बेगाना पर, उसको पढ़ा। फिर उसमें उठाई गई बातों को इस किताब का अध्याय बनाया है। ये मैंने किताब के आभार में भी इसका जिक्र किया। तो ये भी कहा जा सकता है कि जिन बातों को उन्होंने सूत्र वाक्य की तरह लिखा था, ये किताब उसी का व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करती है। उदाहरणों में मैंने खुद को सिर्फ अपने अनुभव तक सीमित करके रखा, जैसे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई उनके परिवार पर क्या गुजरी, इसको विषय बनाने के बजाय मैंने मुझ पर क्या गुजरी, मेरे दोस्तों की उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, उसको दर्ज किया, या मेरे ऊपर कैसा मनोवैज्ञानिक दबाव आया। जो कुछ भी देश में घटित होता है उसके समानांतर समाज में भी घटित होता रहता है, जो किसी न्यूज की तरह दिखाई नहीं देता। मैंने और आपके वाम प्रकाशन की टीम ने उसको देखा और किताब में दर्ज किया। ये इस किताब की एक खासियत ये है कि इसमें जो है नसरुद्दीन शाह की भूमिका भी ध्यान खींचती है। तो उसमें एक जगह नसीर साहब लिख रहे हैं कि हम लोग या गाना गाते रहे कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, ऐसा ही एक गाना है। तो हम लोग ये गाते तो रहे लेकिन हमने इस बात की मतलब एक तरह से जांच नहीं की कि वास्तव में ऐसा कर रहे हैं या नहीं, मतलब अब इसको जमीन पर उतार रहे हैं या नहीं, हमारे समाज में ये स्थिति वाकई है या नहीं, या सिर्फ गाना ही हम सिर्फ गाते रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस पर क्या लगता है? देखिए,
जो नसीर साहब ने लिखा है ये हम सबकी हताशा की अभिव्यक्ति है, और जिस दौर में लिखा है सोचिए हरिद्वार में जब धर्म संसद हो रहा था तो उस वक्त मुसलमानों को ख़त्म करने की बात हुई, मुसलमानों को ख़त्म करने के नारे लगाए गए, गुजरात में बलात्कारियों की सज़ा माफ़ की गई, उन्हें फूल माला पहना के सम्मानित किया गया, ये सब और मतलब विटंबना ये है और दुर्भाग्य ये है इस देश का कि ये सब सरकार के आशीर्वाद से हो रहा है, तो वो सब बड़ा ही निराशाजनक है, ये बात ठीक है। पर ये केवल ये जो एक्सप्रेशन है नसीर साहब का, ये बेसिकली जो लोग सोए हुए हैं या जिनकी आंखें बंद है उनको झकझोरने का भी है। इसी जगह हमें संयम से काम लेना होगा कि आप देखेंगे कि इन सब के पीछे एक आयोजक है। आयोजक कौन है? सत्ता पक्ष है। जबकि जैसा कि मैंने किताब में भी जिक्र किया है कि हिंदू जनमानस ऐसा नहीं है। हिंदू जनमानस ने दिवंगत पत्रकार कमाल खान को जिस खुले दिल से श्रद्धांजलि दी वो बेमिसाल है। बनारस में आरती के दौरान श्रद्धांजलि दी गई, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब ये कि समाज ऐसा नहीं है कि वो बलात्कारियों का सम्मान करे, बल्कि समाज को मजबूर किया जा रहा है कि वो बलात्कारियों का सम्मान करे। गुजरात में जो बलात्कारियों का सम्मान भाजपा की सरकार ने किया वो तो चुनाव के वक्त किया, क्यों? अपने वोटर्स को डराने के लिए ही ना। आखिर सवाल पूछना चाहिए कि आखिर किसके लिए छोड़े गए वो बलात्कारी? मैंने किताब में ये जो किताब है, मैंने किताब में औरंगजेब के उदाहरण से समझाया है कि आखिर उसने दारा शिको या वो सूफी सरमत को पूरी दिल्ली में घुमा घुमा कर क्यों मारा, किसको दिखाकर आतंकित करना चाहता था? वो विरोधी तो डरे ही हुए थे, एक्चुअली अपने समर्थकों को भी वो डराना चाहता था ताकि वो उसकी मुट्ठी से फिसल ना जाए। फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ता इस हताशा भरे माहौल में। आप देखिए, इसी समाज ने फिल्मों के बायकॉट गैंग को पठान जैसी एक खराब फिल्म हिट कराकर जवाब दिया। पठान फिल्म बिल्कुल भी अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन बायकॉट गैंग को जवाब देना था और लोगों ने ऐसा वैसा जवाब नहीं दिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। या फिर कर्नाटक चुनाव के नतीजे देख लीजिए, वहां भाजपा की हार साधारण हार नहीं है, बिल्कुल असाधारण है। वो समाज ने जवाब दिया, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि समाज अभी भी तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा गा रहा है, उस पर यकीन भी करता है। हाँ, लेकिन एक बड़ा तबका जो है अलग अलग क्षेत्रों में, वो तो लगता है कि उनके साथ है। अब जैसे आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए पिछले कुछ दिनों में दो फिल्में तो ऐसी आ गई, कश्मीर फाइल्स और ये केरला स्टोरी जो है, और एक और शायद बन रही है इस तरह की फिल्म, तो हाँ वो 72 हो रहे हैं क्षेत्रों में। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सांस्कृतिक स्तर पर, यानी साहित्य कला संस्कृति और मतलब नाटक, इन तमाम क्षेत्रों में भी क्या उनका ऐसा कब्जा आपको दिखाई दे रहा है कि यह जो दुष्प्रचार है जिसका वो संकेत थोड़ा सा आपकी किताब में है, इस किताब में, तो वो अब कहीं ज्यादा व्यवस्थित रूप ले चुका है फिल्मों के जरिए। तो आप चूंकि फिल्मों में हैं, तो क्या फिल्मों में ऐसा माहौल हो गया है, और क्या इसका इसकी काट कैसे की जा सकती है, क्या इसका काउंटर, जैसे लोगों ने तो बैकआउट कर दिया मतलब पठान फिल्म का, लेकिन जो फिल्में बन रही हैं, जो निर्माता फिल्म बना रहे हैं, निर्देशक बना रहे हैं, अभिनेता उसमें रोल कर रहे हैं, इस तबके से इसका विरोध कैसे हो सकता है, क्या ये संभावना है ऐसी? क्या आप देखेंगे कि इन तमाम फिल्मों में खास बात है, गलत तथ्य या झूठ और नफरत, ये एकदम कॉमन है। तो गलत तथ्य या झूठ को निरंतर काउंटर करने की जरूरत है, तभी ये संभव होगा। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा दूषित तो किया है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सांस्कृतिक संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, उस पर भी वो दक्षिण पंथियों का एक तरह से कब्जा तो हुआ है, वो दिख रहा। जो मैंने पहले बात कही वो समाज और सरकार के बीच के फर्क को समझने के लिए कही कि समाज ऐसा नहीं है, उसको मौका मिलता है, उसके पीछे कोई मतलब कि कोई दबाव नहीं होता है, तो वो अपना अपनी उदारता, अपनी अपना सेकुलरिज्म दिखाता है। तो फिल्मों की जहां तक बात है तो गलत तथ्य और झूठ को निरंतर काउंटर करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि केवल बंबई में बैठकर नहीं, जो जहां है, जिस अवस्था में है, वो उसी में रहकर काउंटर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, संजय कुंदन और फरीद खान का। मैं जब आपकी बात सुन रहा था, मुझे मुझे याद आया कि अभी दो दिन पहले कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया, और ये बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। उस ट्वीट में वो बताते हैं कि वो हबीब तनवीर साहब के कितने करीब थे, और वो ये बताते हैं कि मैंने भारतीय संस्कृति के बारे में जो कुछ सीखा है वो हबीब तनवीर से सीखा है। तो मेरा तो मन हुआ कि भाई उनसे मैं सवाल करूं कि भाई जब हबीब तनवीर पर हिंदुत्ववादी गुंडे जब हमला कर रहे थे उस समय आप कहां थे, आपने तब ट्वीट किया, उनके उनके डिफेंस में आप आए, खैर जो भी है। लेकिन लेकिन ये केवल वो बात नहीं है कि उस समय आप क्या कर रहे थे वगैरह, वो छोड़िए। हाँ। उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि इन लोगों को भी, मतलब कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को भी, जिस फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उस फिल्म के डायरेक्टर को भी एक सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबिलिटी की जो जरूरत है, या एक सांस्कृतिक स्तर पे जो स्वीकारे जाने की जो एक ललक है, जो एक चाह है, जो उनको नहीं मिली अभी तक, तो उस स्वीकृति के लिए उनको जरूरत पड़ती है हबीब तनवीर की। और और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इनके पास कोई अपने हीरो नहीं है कि जिनको के वो जो है ये कह पाए कि भाई ये हैं देखिए हमारे हीरो, चाहे स्वाधीनता संग्राम की बात हो, चाहे कल्चर की बात हो, सिनेमा की बात हो, वगैरह वगैरह। इनकी फिल्में हिट हो जाती हैं, कुछ फिल्में हिट होती हैं, सारी फिल्में हिट नहीं होती, बहुत सारी इनकी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं। हाँ, वो जिस तरह से नफरत की राजनीति हिट होती है, वैसे ही नफरत की फिल्म भी होती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सारी नहीं, इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होती हैं। बिल्कुल। अब ये कश्मीर फाइल्स की हर कोई बात करता है, लेकिन उसी दौर में आई ऋतुराज चौहान पर जो फिल्म बनी थी, वो कितनी जबरदस्त फ्लॉप रही, उसकी बात कोई नहीं करता। तो खैर, आपने जैसे कहा फरीद जी कि अभी भी ये जो जंग है, ये एक तरफा जंग नहीं है, ये संघर्ष एक तरफा नहीं है। और आप जैसे लोग, आप जैसे चिंतक, और आपने जो किताब लिखी है, इस तरह की किताबें हमारे लिए एक हथियार बनती हैं कि अपने आप को सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर हम लैस करें और इस संघर्ष के अंदर हम शामिल हों। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये किताब अपनों के बीच अजनबी, फरीद खान की लिखी किताब है। इसमें भूमिका लिखी है जाने माने हिंदुस्तानी एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब ने, और वो भी एक बहुत ही दिल को छूने वाली एक भूमिका है। तो इस किताब को आप ज़रूर लें, इसको पढ़ें। ये किताब www.leftword.com पे जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये दुनिया भर में वहाँ से हम इसको भेजते हैं। अलावा उसके अगर आप दिल्ली में कभी हों तो ज़रूर आप शादीपुर में स्थित मेडे बुक स्टोर पे आएँ, और मेडे बुक स्टोर पे बहुत आपको इस तरह की किताबें देखने को मिलेंगी जो आम तौर पे आपको बुक स्टोर्स में नहीं देखने को मिलती हैं। ये हमारा आपसे वादा है। तो
इन इन शब्दों के साथ आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि एक महीने बाद अंग्रेजी के अंदर एक और बहुत दिलचस्प बातचीत लेकर के हम यहीं पे वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।